फिरोजाबाद जिले में किसान यात्रा निकालने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष का आवास का एरिया किया सील। सपा जिलाध्यक्ष को किया नजरबंद और सपा के प्रदेश सचिव को भी किया नजरबंद। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान यात्रा निकालने की तैयारी में थी। इसी के चलते सोमवार की सुबह नवागत एसएसपी फिरोजाबाद अजय कुमार पांडे के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में एसएचओ सिरसागंज गिरीश चंद गौतम मैफोर्स के साथ सुबह से ही सिरसागंज के इटावा रोड स्थित सपा जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद दुर्गपाल सिंह यादव उर्फ डीपी यादव के आवास पर पहुंच गए और सपा जिलाध्यक्ष के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष दुर्गपाल सिंह उर्फ डीपी यादव को उनके आवास में ही नजरबंद कर दिया। वहीं शिकाबाद के कोतवाल ने भी सभी सपा प्रदेश सचिव राम सेवक यादव के घर डेरा डाल दिया और उनको नजरबंद कर दिया। गौरतलब है कि किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी सोमवार को पूरे प्रदेश में किसान यात्रा निकालने की तैयारी में थी। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार किसान विरोधी है। सरकार की सारी नीतियां उद्योगपतियों के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है और हम किसानों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी हमेशा किसानों के हित में लड़ते रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार देश में प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को समर्थन के उद्देश्य से आज से समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन करने के लिए जिला कार्यालय दबरई से और फिरोजाबाद में राउंड लेते हुए पुनः दबरई कार्यालय पर कलेक्ट्रेट पर किसानों के समर्थन में एक पद यात्रा मोटरसाइकिल यात्रा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के क्रम में इस पद यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के यहाँ उनके घर पर नज़रबंद करते हुए इस आंदोलन को असफल करने का प्रयास किया है। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।